राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव आज डीडवाना दौरे पर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय डाक बंगलों में उनका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर यादव ने डाक बंगले में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, विभाग से जुड़े अधिकारियों की एक बैठक ली और उसके बाद जन सुनवाई भी की गई। इस दौरान डॉक्टर यादव ने कहा कि राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर इन्हें धरातल पर उतार कर आमजन को इनका फायदा मिले। कुमाचन और डीडवाना के बाद यादव नागौर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चोरू, सीकर और झुंझुनू का दौरा कर विभागीय अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और इस दौरान जन सुनवाई भी की जाएगी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक तो मुझे अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग का अध्यक्ष बना के राजस्थान का जो अनुसूचित जाति वर्ग का लोग है उसको सेवा करने का अवसर मुझे दिया है। नंबर दो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएँ बनाई हैं। उन योजनाओं को लेके, योजनाएँ बनना ही सब कुछ नहीं है, योजना का अमली जमा पहनना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि वो योजना आखिरी छोर पे बैठे व्यक्ति तक पहुँचे, उस द्वार तक हमको दस्तक देनी चाहिए और वो दस्तक देकर उस दबे कुचला जो व्यक्ति है जिसको विकास की दरकार है, जो अग्रिम पंक्ति में आना चाहता है, उसको हम जाके उठाएँ, उसको उठा के उस योजनाओं का लाभ दें। अनुजा की बहुत सारी योजनाएँ, करीब करीब 125 योजनाएँ हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से हम अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक विकास की कड़ी से जोड़ना चाहते हैं। और आज के विकास के युग में जब तक व्यक्ति का आर्थिक उन्नयन नहीं होता है तब वो मुख्य धारा में नहीं आ सकता। और माननीय मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं कि जो दलित वर्ग का आदमी है, शेड्यूल कास्ट का आदमी है, वो विभिन्न जो रोजगार के संसाधन हैं, योजनाएँ हैं, लघु कुटीर उद्योग है, पुश्तैनी धंधे हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं, और जो लोग जिन चीज़ों को चाहते हैं उन चीज़ों का उनको ऋण देकर उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास हम करें। ऋण में भी पहले क्या दो लोगों की गवर्नमेंट सर्वेंट की गारंटी थी उसको हटा दिया गया है। अनुदान भी 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मुख्यमंत्री जी ने नए रूप में, नए कलेवर में लागू की हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके और अधिक से अधिक लोगों को विकास की कड़ी से जोड़ा जा सकता है। खास करके शेड्यूल का अनुसूचित जाति में 59 जातियाँ हैं और बहुत सारी उप जातियाँ हैं, कुछ गुमक्कड़ जातियां हैं, कुछ DNT में जुड़ी हुई जातियां हैं, उन सबको जॉइंटली एक साथ जोड़कर विकास की जो योजनाएं हैं अशोक गहलोत जी की, उन योजनाओं को हम हमारे समाज कल्याण विभाग से, हमारे अनुजा प्रकोष्ठ की ओर से और जो हमारी जो एजेंसी है सरकार की, उन एजेंसियों के माध्यम से हमारे पंचायत राज के जो साथी हैं, प्रधान है, प्रमुख है, पंचायत सिस्टम से जुड़े हुए जो लोग हैं, नगर परिषद नगर पालिका सिस्टम से जुड़े हुए लोग, उन सबको साथ लेके हम शेड्यूल कास्ट के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं।